हेलो नमस्कार। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज़, IDBI बैंक की ओर से एक अच्छी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। तो गाइज़, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि 2019 में जो रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुआ था IDBI बैंक का असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए, तो उसमें क्वालिफिकेशन क्या थी, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का था और एज क्राइटेरिया वहाँ पर क्या पूछा गया था। तो गाइज़, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइज़, वीडियो शुरू किया जाए। सबसे पहले अगर गुड न्यूज़ की बात करें तो IDBI बैंक जो है दोस्तों, जो RBI ने जो PCA फ्रेमवर्क से IDBI बैंक को बाहर कर दिया, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन अब IDBI बैंक की इम्प्रूव होती जा रही है और बैंक जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि जो 2019 में जो रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ था दोस्तों 900 पोस्ट के साथ, तो उसी तरह 2021 में भी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि 90% तो चांसेस लग रहे हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज़ हो, और बाकी जब नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, अब अगर बात करें दोस्तों 2019 में जो असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट रिलीज हुई थी, उसमें टोटल वैकेंसीज़ कितनी थी, एज क्राइटेरिया वहाँ पर क्या था और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या था और एग्ज़ाम पैटर्न उस टाइम क्या था, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। बात करें दोस्तों अगर असिस्टेंट मैनेजर की 2019 में टोटल पोस्ट कितनी थी, तो टोटल पोस्ट दोस्तों यहाँ पर थी 500। कैटेगरी वाइज भी दोस्तों आप देख सकते हैं, और आप यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के लिए टोटल 500 पोस्ट के साथ ये नोटिफिकेशन रिलीज होता 2019 में। अगर दोस्तों बात की जाए एप्लीकेशन फ़ी की, तो 700 कोरोना से पहले फ़ीस थी। IBPS ने भी कोरोना के बाद फ़ीस को थोड़ा इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पर भी आपको इंक्रीज़ देखने को मिल सकती है ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो 29th of March को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 2019 में। ठीक है, 2019 में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 29th of March को। अब इसका जो एग्जामिनेशन था दोस्तों, वो आई थिंक मई के मिड में कंडक्ट कराया गया था, यानी कि 1.5 से 2 महीने के बीच जब रिक्रूटमेंट रिलीज होता है उसके बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिया जाता है। अगर बात की जाए दोस्तों एज क्राइटेरिया की, तो 21 से 28 यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखा गया है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। ठीक है, उसके बाद जो कैटेगरीज हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है। अगर बात की जाए दोस्तों पे लेवल की, तो फर्स्ट ईयर के लिए 22,000, सेकेंड ईयर के लिए 24,000 और थर्ड ईयर के लिए 27,000। अगर क्वालिफिकेशन की दोस्तों यहाँ पर बात की जाए, तो 2019 में जो अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, चाहे किसी से कोई भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, उसमें 60% मार्क्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। और जो कैटेगरीज हैं जैसे कि SC और ST के लिए यहाँ पर 55% उस टाइम रखे गए थे। ठीक है, और सेकंड क्वालिफिकेशन की कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर बात की जाए दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की, तो 4 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और कंपोजिट टाइम यहाँ पर 2 आवर्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और इस ये एक ही एग्ज़ाम होगा दोस्तों, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। काफ़ी सारे कैंडिडेट दोस्तों सोच रहे होंगे कि IDBI बैंक तो प्राइवेट है, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं मिल रहा, इससे अच्छा कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही दोस्तों। तो अगर नोटिफिकेशन दोस्तों रिलीज़ होगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। अगर दोस्तों बात की जाए IDBI बैंक रिक्रूटमेंट 2019 में जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी, यानी कि असिस्टेंट भी आप क्लेरिकल लेवल की एक पोस्ट है, तो इसमें दोस्तों टोटल 300 वैकेंसीज रिलीज हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए, तो वही 700 OBC जनरल और EWS के लिए, और SC ST के लिए 150 रुपीज़। अगर बात की जाए एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया दोस्तों अलग है, 20 to 25 ईयर्स का यहाँ पर एज क्राइटेरिया है। अगर बात की जाए SC ST और OBC के लिए, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रखा गया है।
अगर इसके पे लेवल की दोस्तों बात की जाए तो फर्स्ट ईयर के लिए वही सेम 22,000, सेकंड ईयर के लिए 24,000 और थर्ड ईयर के लिए 27,000। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम 50% मार्क्स है, ठीक है। और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45% यहाँ पर रखा गया था उस टाइम। कंप्यूटर नॉलेज का यहाँ पर जिक्र नहीं कर रखा है दोस्तों, मे बी हो भी सकता है दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज मांगे यहाँ पे। अगर बात की जाए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो एग्ज़ाम पैटर्न में यहाँ पर ओनली फॉर थ्री सब्जेक्ट आपके रहेंगे, टेस्ट ऑफ रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टेस्ट ऑफ वर्किंग इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टेस्ट ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, कंपोजिट टाइम 90 मिनट्स, ठीक है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। और यहाँ पर ये जो आपका एग्जामिनेशन है वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल वीडियो, और काफ़ी कुछ हमने दोस्तों इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन किया। और जो IDBI बैंक है दोस्तों वो फिलहाल प्रॉफिट में चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% तो इसके चांसेस हैं नोटिफिकेशन रिलीज होने के, क्योंकि 2019 में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था लास्ट बार, उसके बाद से कोई नोटिफिकेशन भी रिलीज नहीं हुआ है, तो चांसेस बन रहे हैं इसके, ठीक है। और जैसे ही कोई अपडेट होगी IDBI बैंक की ओर से तो पर्टिकुलर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। तो गाइज़ एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव अ नाइस डे।